हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भरत मजुमदार में दोस्तों आज का टॉपिक गंभीर है इसीलिए इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अक्सर जो ख़तरनाक चीज़ें होती है केमिकल वाली चीज़ें होती है उनमें दिया होता है बच्चों की पहुँच से दूर रखें जैसे मोर्टीन हो गई कई तरह के ऑयल्स हो गए कई तरह के केमिकल हो गए टॉयलेट क्लीनर हो गया इस तरह की चीज़ें जो होती है दोस्तों इनमें लिखा होता है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें तो ये क्यों लिखा होता है इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ही घर के पास ही एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम है खुशी दोस्तों अभी तीन चार दिन पहले की बात है उसके घर पे पेंट हो रहा था यानी कि वॉल पेंट हो रहा था तो दोस्तों जो पेंट होता है उसे पतला करने के लिए केमिकल होता है वो केमिकल की बॉटल इस तरह से इस तरह से थी नॉर्मल पानी की बॉटल में रखी हुई थी वो और वो बच्ची खेलती हुई आई उसे ध्यान नहीं रहा और घर पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया उस बच्ची ने गलती से पानी समझ के उस बॉटल को खोला और पी लिया पीने के बाद जब अंदर गया तो उसे जलन हुई और उसके बाद वो बेहोश हो गई मतलब अनकॉन्शियस हो गई उसे फिर होश नहीं था फिर घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए वहाँ डॉक्टर ने उसे वोमिटिंग कराई और काफ़ी दवाइयाँ दी उसके बाद उसे दो दिन तक तो एग्जामिनेशन में रखा डॉक्टरों ने उसके बाद डिस्चार्ज किया वो बच्ची बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल सही है खेल कूद रही है तो दोस्तों ये हादसा होता ही नहीं अगर हम लोग ध्यान रखते कि कई चीज़ें ऐसी है जो मासूम बच्चों से दूर रखनी चाहिए उनकी पहुँच से दूर रखनी चाहिए लोगों तो से हाथ जोड़कर गुजारिश है आप लोग आज ही ध्यान दीजिए आपके घर में देखिए टॉयलेट क्लीनर हो गया या फिर दोस्तों मोर्टीन हो गए मॉस्किटो कोयल वगैरह हो गए कई तरह के खुशबू वाले परफ्यूम वगैरह हो गए या नील पेंट हो गया या नील पेंट छुड़ाने वाला जो होता है ऑयल वो ऑयल हो गया ऐसी चीज़ें दोस्तों अगर बच्चों की पहुंच के आसपास है तो उसे उनसे अलग कर दीजिएगा दोस्तों ये बहुत ही हार्मफुल है इसीलिए बता रहा हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ बाकी दोस्तों थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को थैंक यू सो मच